और किताब साहिब एजाज इंडोमार निकोबार के मौलिक शफीक अहमद फलाही साहब, मेरे अजीज दोस्त अजय साहब स्टेज पर बैठे हुए और सामने मौजूद ने शहर, मैं शफीक अहमद फलाही साहब को उनके हिंदी एडिशन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अजीजा ने ग्रामी मालेगांव शहर अदीबों शायरों और कलमकारों का शहर है। मुख्तलिफ मौजुआ पर कुछ न कुछ तख्लीकात होते रहती हैं, लेकिन हालिया दिनों में शफीक अहमद फलाही साहब हुए और आज से 10-12 साल पहले मरहूम रमजान पेंटर साहब की किताब अवायल मालेगांव, इसका जितना चर्चा या जितनी पजीराई मैंने देखी, हालिया दिनों में किसी दूसरी किताब की पजीराई मैंने नहीं देखी। और सच बात तो यह है कि अवायल मालेगांव के बारे में रमजान पेंटर के वारिस मसूद पेंटर साहब से जब मैंने जिक्र किया कि कोई नुस्खा है क्या, क्योंकि मेरी किताब जो थी ना, मेरा पोता ले गया और वो बोलता है दादा ये मेरी है, मैं तुमसे थोड़ी लिया हूँ, अदब में चोरी जायज है, मैंने पढ़ा था घर में ही ये काम हुआ, मेरे पास कोई नुस्खा है नहीं। मसूद पेंडर ने कहा कि मेरे पास भी कोई नुस्खा नहीं। अभी पिछले दिनों हम लोग औरंगाबाद के सफर में थे, मैंने उनसे कहा कि यार तो दूसरा एडिशन निकालने की कोशिश करना चाहिए, बोले हाँ बात सच है, रोज कोई ना कोई मुझसे पूछता है, अब हम लोगों ने जहनी तौर से इसकी तैयारी कर ली कि हम उसका दूसरा एडिशन छापेंगे। शफीक अहमद फलाही ने किसी के बोलने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने महसूस किया कि इनकी 600 किताबें हाथों हाथ उनके घर से रवाना हो गई, उन्होंने एडिशन तो छापा लेकिन कमाल ये किया कि उसको हिंदी वर्जन में शाया कर दिया, एक बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। मैंने उर्दू हिंदू दोनों को देखा है, मुआवजा किया है, वो कहते हैं ना कि जब किसी शख्स को ये एहसास होने लगता है तो कोई उसको देख रहा है तो वो बनने संवरने लगता है, वो बात है ना कि प्यार करता कोई मुझसे तो संवरता मैं भी, इतना रुस्वा न करो आईना वालों मुझको। इनको एहसास हुआ कि इनकी किताब की पजीराई हो रही है, तो इन्होंने भी हिंदी के किताब में इजाफा जरूर किया है। बहुत सी तस्वीर जो उर्दू में नहीं है, सलवार जेल की, कोटमलेर की, बहुत से मसाजिद की, बहुत से मनाजिर की, शिशोर की, वहाँ के चरिन कदम की, उन्होंने इजाफा किया है हिंदी में, और उसको मैं ऐसा मानता हूँ कि उर्दू से अच्छा एडिशन हिंदी का है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसमें सही मानों में कई तारीख, कई जोग्राफिया, कई शहरियत, ये मैंने पिछले इजरा के मौके में भी ये कहा था, ये तलबा के लिए ये बहुत ही कारामद चीज़ है, और सही मानों में तहरीर का एक ढंग होता है। इन्होंने जिस ढंग से किताब में मंजर कशी की है, वहाँ का माहौल, वहाँ के जंगलात, वहाँ के चरिन परिंद,
वहाँ की तहजीब, वहाँ की जबान, वहाँ के लोग, उनका मेलजोल, वहाँ का कारोबार, सही मानों में والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد حضرات مہمانان کرام شفیق فلاحی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے زیادہ معلومات کم صفحات میں درج کی ہے, اختصار اور جامعیت کا خیال رکھتا ہے, اور مجھے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ صدارتی خطبہ بھی میرا ایسے ہی ہو. اس لیے میں بہت مختصر چند باتیں عرض کرتا ہوں. دیکھیے, اپنے احساسات کو, اپنے تأثرات کو اور اہم معلومات کو سلیقے کے ساتھ اچھے اسلوب میں پیش کرنا, یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اگر کوئی شخص اپنے احساسات, اپنے مشاہدات, اپنے تأثرات اور اہم اور قیمتی معلومات کو ترتیب کے ساتھ, صحیح اسلوب کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ پیش کرتا ہے, تو ایسا شخص یقیناً ہماری طرف سے مبارکبادی کا مستحق ہے. اور میں ہمارے پروفیسر مبین نذیر صاحب کی تقلید کرتے ہوئے ہمارے جناب شفیق فلاحی صاحب کو ہاردک بدھائی اور شبھ کامنائیں پیش کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ ان کی کتاب کے ہندی ایڈیشن کا اجرا ہے, اور ہمیں خوشی ہے کہ تھوڑی مدت میں ان کی کتاب کا یہ ہندی ایڈیشن سامنے آیا ہے, اور اس میں ماشاءاللہ اہم اضافے بھی ہیں, اور امید کی جا سکتی ہے کہ اردو ایڈیشن کی طرح ان کی کتاب کا یہ ہندی ایڈیشن بھی مقبولیت حاصل کرے گا اور لوگ اس کی پذیرائی کریں گے انشاءاللہ. تین مختصر سی باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اس کتاب کے ذریعے جہاں ایک طرف ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے, وہیں یہ جذبہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے, اس وشال بھارت کے لیے قربانی پیش کریں. جب یہ ملک غلامی کے دور سے گزر رہا تھا, تو ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے انڈمان اور نکوبار جیسی سخت زمینوں میں اور وہاں پر قائم کی گئی انگریزوں کی سخت دردناک جیلوں میں رہ کر ملک کی آزادی کے لیے, ہمارے ملک کو غلامی کی زنجیروں سے چھٹکارا دلانے کے لیے غیر معمولی قربانی پیش کی. ابھی ہمارے جمیل کرانتی صاحب, ان سے پہلے ہمارے پروفیسر واجد علی صاحب وغیرہ ذکر کر رہے تھے ملک کے حالات کا. یقیناً یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک میں ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کریں کہ ہمارا ملک عصبیت کی غلامی سے آزادی حاصل کرے. جو فرقہ پرستی کی غلامی اس ملک میں جاری ہے, اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے بھی ہمیں اور ہمارے بھائی اجے نول رائے شاہ صاحب اور اس طرح کے لوگوں کو آگے آنا ہوگا کہ ہم مل جل کر اس ملک کو پھر سے صحیح سمت میں لے جا سکیں, ورنہ سمجھ لیجئے کہ یہ ملک بہت تیزی سے دشاہین یاتری بنتا جا رہا ہے, بے سمت مسافر. ہمارے سامنے کوئی مقصد کو منزل باقی نہیں, سوائے اس کے کہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنی اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اس ملک کے لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہیں
तकसीम करते हैं। दूसरी बात मुझे अर्ज करनी है कि किताब तो माशाल्लाह लिखी गई, उर्दू में पढ़ी गई, हिंदी में आ गई है, अल्लाह करे कि अंग्रेज़ी एडिशन भी आ जाए और 2024 में हमारे जमील करांती साहब को फिर हिंदी उर्दू अंग्रेज़ी तीनों का तकाबुल करने का मौका मिले और फिर वो हमें खुशखबरी सुनाए कि इसमें कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। जमील करांती साहब हमारे माशाल्लाह करांती भी हैं और करामाती भी हैं, तो वो पिछली दफ़ा उन्होंने अच्छे तासुरात का इजहार किया, हिंदी एडिशन आ गया, क्या अजब कि आज उन्होंने तकरीर की है और उनकी करामत से अंग्रेज़ी एडिशन की भी विलादत व सआदत हो जाए, तो हम लोगों को अच्छी अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि किताब तो आ गई लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि हमारे पढ़े लिखे हलकों में भी अब पढ़ने का ज़ौक बहुत कम होगा। हमें इस ज़ौक की हिफाजत के लिए और ख़ास तरीके पर हमारी नई नस्ल को किताब से जोड़ने और जोड़े रखने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि सलाहियतों को बेदार करने का कोई ज़रिया मुताले से बढ़कर नहीं, सलाहियतों को बेदार रखने का बुनियादी आला और ज़रिया मुताला है, मुताला और सेहतमंद मुताला। लोग पढ़ रहे हैं मगर ऐसी चीज़ें जो उनकी मालूमात को वसी करने वाली नहीं है, जो उनके जहन और फिक्र को नए आफाक से रूशनास कराने वाली नहीं। तो किताबें और अच्छी किताबें, बुनियादी किताबें जो हमारे जहन और फिक्र को जिला बख्श सकें। तीसरी और आखिरी बात मुझे अर्ज करनी है कि हमारे शफीक फलाही साहब ने अपनी मालूमात, अपने मुशाहदात और जो उन जज़ायर से मुतालिक मुख्तलिफ पहलू हो सकते थे उन्हें एक किताब की शक्ल में शाये किया और यकीनन ये उनकी काबिल क़द्र खिदमत है। इसी के साथ साथ उन्हें और उन जैसे लोगों को ये काम भी करना चाहिए कि मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले ऐसे काम जो माजी में हुए ये अब भी हो रहे हैं और मुल्क में उनका बहुत ही गैर मामूली असर हो सकता है, ऐसी चीज़ों को मज़ीद हम लोग लिखने की और मुख्तलिफ इलाकाई और कौमी ज़बानों में फैलाने की कोशिश करें। देखिए, जो फ़िरका परस्ती या असबियत की बात कही जा रही है ये सिर्फ एक पहलू है तस्वीर का, एक रुख है, वरना मुझे तजर्बा होता है इसका कि अब भी इस मुल्क में, अभी हमारे जमील करांती साहब कह रहे थे कि ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे मुल्क का हिस्सा है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ कि हमारे मुल्क में इस फ़िरका परस्ती और असबियत के कायम हो जाने के बावजूद मुल्क में मुख्तलिफ बस्तियाँ, इलाके, आबादियाँ ऐसी हैं कि जहाँ इतनी मोहब्बत के साथ लोग अब भी रह रहे हैं कि अगर हम उनको देखें तो हमें रश्क आता है, लेकिन वो चीज़ें दबी और छुपी हुई हैं, लोगों के सामने नहीं है। इसलिए सूरत हाल का सिर्फ एक रुख सामने आ रहा है और वो फ़िरका परस्ती का जहर है जो हमें दिखाया जा रहा है और जो दिख कर आ भी रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन जिन इलाकों में अभी तहजीब व सकाफत हमारे मुल्क की ज़िंदा है और जो लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, बेहतर तरीके पर रिश्ते कायम हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मददगार बनकर खड़े हुए हैं, हमें उन मिसालों को, उन वाकयात को, उन चीज़ों को बाहर लाने की और लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर वक्त होता तो मैं उसकी चंद मिसालें भी बयान करता, चूँकि मुझे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाने का मौका मिलता है, बहुत से हिंदू भाइयों से, हमारे SC ST OBC के लोगों से, सिखों से, मुख्तलिफ तबकात से मिलने का मौका मिलता है, मुसलमानों से मिलने का मौका मिलता है,
तो जो मुख्तलिफ़ रुदादें कारगुजारी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों की अलग अलग तहजीबी सूरत हाल सामने आती है, उससे ये एहसास होता है कि बावजूद बहुत सारी कोशिशों के अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इस मुल्क का ज़मीर ज़िंदा है, मगर उस ज़मीर को ज़िंदा रखने की कोशिश ज़रूरी है वरना नुकसान हो सकता है। बस ये चंद बातें मुझे अर्ज़ करनी थी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप हज़रात के सब्र का और इम्तहान लेकर आप लोगों की इज्तिमाई बद्दुआओं का अपने आप को हकदार बनाओ। ये चंद बातें मैंने अर्ज़ की हैं और शफीक पलाई साहब को मुकर्रर मुबारकबाद देता हूँ। नहायत अहम तकरीब की सदारत के लिए हमने मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब को ज़हमत दी, वहाँ यहाँ पर आए। मैं अदारे नसरी अदब और एसआईओ की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में हमारे अजय शाह साहब यहाँ मौजूद हैं, वो भी आए, अपने ख्याल का इजहार किया, उसके लिए भी जो है इदारों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जमील क्रांति साहब की दाब का इजरा किया और एक अच्छा तासुर पेश किया, उसके लिए भी मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। इसी तरह प्रोफेसर वाजिद अली साहब का शुक्रिया और मोहतरम साबिर साहब का जो इस रिसर्च स्कॉलर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कर्नल आर्मी साहब नज़ीर मुबीन साहब जितने जिन्होंने यहाँ तकरीरें बेहतरीन तकरीरें पेश की। मैं शफीक फलाही और नसरी अदब एसआईओ की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ सामने बैठे हुए सामईन जो इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और आए इस तकरीर में हाजिर हुए, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से ये हॉल जो फ्राहम किया गया एपीटी हाई स्कूल की जानिब से, मैं फलाही साहब की तरफ से भी और इदारों की जानिब हमारे जो दो दो इदारे हैं जिसके जेर तमाम ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं एपीटी इंतज़ामिया का जो है शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये इतना बेहतरीन हॉल जो है उनको फ्राहम किया। इसी तरह से साथ साथ सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, सबका शुक्रिया, रब का शुक्रिया और सदर साहब की इजाज़त से इस मजलिस के अख्ताम का ऐलान किया जाता है। बहुत बहुत मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहां पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।